अज सचखंड श्री दरवासा विखे नतमस्तक होए साडे पार्टी दे फाउंडर मैंबर ते देश दे सिक्ख्या दे विच क्रांति लियाउण वाले सिक्ख्या मंत्री दिल्ली दे डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी उन्हां नूं सर्वोच्च अदालत वल्लों न्याय मिलिया कि उन्हां दी जमानत होई। सानूं पहले दिनों पता सीगा कि झूठे केस ने और इन्हां के टिकणे नहीं ज्यादा देर अदालतां च। यही उम्मीद असीं केजरीवाल साहब वाले केस च कर रहे हां। इस तों पहला संजय सिंह जी दे विरुद्ध कोई सबूत नहीं सी। सो इत्थों इह सिद्ध हुंदा बस सिर्फ इह कुछ समय लई साडे लीडरां नूं जेल च भेज के पार्टी तोड़न की कोशिश करते हैं, पर आम आदमी पार्टी किसी होर मिट्टी की बनी हुई है, उस कोई त्रेड़ या दरार नहीं आऊगी। तो अरदास की सी, मैं भी कई बार आया इतने अरदास की सी कि सच की जित हो, सू बल बख्शे, पर सच की जित हुई है। तो अज मनीष सिसोदिया जी सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होने आए हैं परिवार समेत। कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ 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 मत्था टेकन आए। मैं एक मिनट कहूंगा कि आपके पास दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोजाना याद करता था सच्ची, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में ये अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई, मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले ये चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे। और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे, जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटे, वो नीचे आए। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहां भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। आपको बेल मिल गया लगता है केजरीवाल साहब की? बिल्कुल, देखिए यहाँ ये तो मैंने कहा ना, जैसे सीएम साहब ने भी कहा ये तो सचखंड है, यहाँ तो जो आके कहेगा सच्चाई की जय हो, वहाँ फिर सच्चाई की जय होनी होनी है, कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर लग जाती है, बड़ा अपने मैं तो खूब यहाँ रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, आज ऐसा ही लगा कि जैसे अपने भाइयों बहनों के बीच में आ गया हूँ। और मेरे बड़े भाई मेरे मान साहब जो है उनके साथ आके, ये भी हम सब परिवार ही हैं, तो आज पूरे परिवार के साथ, मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली भी आई है, हम सब ने परिवार के साथ आके मत्था टेका है। क्योंकि राजनीति और सरकार अपनी जगह रहती है, लेकिन परिवार हमारा सबसे बड़ा है। और मैं इसके लिए भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में हम सबको बल दिया और तमाम साजिशों के बाद भी हमारी टीम एक परिवार की तरह से, मुट्ठी की तरह एक है।